हेलो एवरीवन, माय नेम इज ग्रोट हिंगुरी और फाइनली मैं हाजिर हो गया हूँ द कोल्ड वॉर एरा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आप सबको पता ही होगा है कि टर्म वन में हमारे पूरे एमसीक्यू आने वाले हैं, तो इस वीडियो में सारे हम कवर कर रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, तो इसको पूरा अच्छे से देखिएगा। तो सीधा चालू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सर, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ। हमने इस वीडियो में ट्राई किया है कि जितने भी एमसीक्यू हैं उनको हम वन वर्ड फॉर्मेट में या सिंपल एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके सामने ला सकें। अब वो चाहे आपका केस स्टडी क्वेश्चन हो, आपका असर्शन रीजन हो, सबको हमने एक एमसीक्यू वन वर्ड वाला फॉर्मेट दे दिया है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि भैया ने केस स्टडी नहीं कराया है, कोई और क्वेश्चन नहीं कराए, सारे हमने कवर करा दिए। ये क्वेश्चन हम कहीं से लेकर नहीं आए, हमने खुद बनाए हैं, पूरी एनसीईआरटी के बना दिए। मतलब ये देखने के बाद आपको कहीं और देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपने हमारी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख ली और उसके बाद आपने ये आईएमपी वाली वीडियो देख ली, तो 100% आपके मार्क्स आएंगे, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये याद रखिए। साथ ही साथ एक टास्क और मैं आपको देखता हूँ यार, कि देखिए मैं तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें बता दूंगा, लेकिन इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो आप कॉमेंट सेक्शन में डाल देना। इससे क्या होगा, हमारे कॉमेंट सेक्शन में भी एक अच्छा हमारा रिविजन चल रहा होगा। एक छोटा सा टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, अब सीधे हम चालू करते हैं। सीधे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर वन की तरफ। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता वो ये है कि इन अप्रैल 1961 द लीडर्स ऑफ द यूएसएसआर वर वरिड दैट द यूएसए वुड इन्वेड कम्युनिस्ट रूल डैश एंड ओवरथ्रो फिडेल कास्ट्रो। तो देखिए इसमें ही दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। हमें एक नाम पता चल गया है कि फिडेल कास्ट्रो को ओवरथ्रो कर देंगे, वो वहां के प्रेसिडेंट थे। अब कहां के प्रेसिडेंट है और कहां की बात हो रही है, आप सबको पता होगा हम क्यूबा की बात करने वाले। अच्छा, एक और चीज़, राइट में हमने छोटे छोटे बॉक्स डाल दिए, इनको आप पढ़ सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आपने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख ली तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आप भूल गए या रिवीजन करना है तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, व्हेन डिड यूएसएसआर प्लेस न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा। तो इसका आंसर है 1962। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने मैं आपको बता रहा हूँ उनको अच्छे से आप देखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री आता है, द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज अ हाई पॉइंट ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज द, इसका आंसर है हमें सबको पता है कोल्ड वॉर। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर, द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू अ रशियन बेस। तो कौन से लीडर की बात हो रही है यहाँ पर, निकिता ख्रुशेव। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत बार पहले भी आया, अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव, डैश रिफर टू द कॉम्पिटिशन टेंशंस एंड द सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशंस बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सोवियत यूनियन बैक बाय देयर रिस्पेक्टिव एलाइज। इसका आंसर तो आप सबको पहले से ही पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है, कोल्ड वॉर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, द वेस्टर्न अलायंस वॉज हेडेड बाय द, तो वेस्टर्न अलायंस को कौन हेड करता था भाई, हमारा वेस्ट वाला था, वो यूएसए का था। फिर ये बॉक्स जाता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वेस्टर्न यूरोप साइडेड विद द यूएस एंड दोज ऑफ ईस्टर्न यूरोप जॉइंड द सोवियत कैंप। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर सेवन, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, हम यही चीज डाल देते हैं जिससे आपको और अच्छा रिवीजन हो जाए, यूएसए की और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी बताइएगा। आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करके पहले आप कमेंट में आंसर बताइए, उसके बाद फिर आगे इसको कंटिन्यू करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट, इन 1945 द एलाइड फोर्सेस लेड बाय द यूएस सोवियत यूनियन ब्रिटेन एंड फ्रांस डिफीटेड द डैश लेड बाय जर्मनी इटली एंड जापान एंडिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सीधा एनसीईआरटी की लाइन है, आप सबको पता होगा, बहुत बार आपके एग्जाम में भी आया होगा, एक्सेस पावर्स। ये स्कूल के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन आता है, वर्ल्ड वॉर वन कब हुई थी और वर्ल्ड वॉर टू कब हुई थी, ये एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया है, सिंपल एक यहाँ पर डाल दिया जिससे आपके क्लियर हो जाए। कई बार एमसीक्यू में जाता है कि वर्ल्ड वॉर वन के बारे में बताइए, कभी टू का जाता है, कई बार हो सकता है दोनों भी आपको देखने को मिल जाए। एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन घुमा फिरा के बन जाते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि जो हमारी वन थी वो 1914 से 1918 चली थी और जो सेकेंड थी वो 1939 से 1945 तक चली थी। फिर क्वेश्चन नंबर टेन, द वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप्ड टू एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ डैश इन अगस्त 1947 कॉजिंग जापान टू सरेंडर। तो कौन सी सिटीज में हुआ था भाई, हिरोशिमा एंड नागासाकी, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, द लॉजिक ऑफ डैश, अब इसका मीनिंग क्या होता है, कौन से लॉजिक की हम बात कर रहे हैं, जिसमें बोला गया है बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट द अटैक एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नीदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर। तो ये हम सबको पता है, हमने पढ़ा है लॉजिक ऑफ डिटरेंस, इसको हम बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आप पहले जरूर देखिएगा, उसमें सब मैंने बहुत डिटेल में क्लियर किया, एमसीक्यू वाली वीडियो को ज्यादा हम बड़ा खींचेंगे नहीं। तो लॉजिक ऑफ डिटरेंस से बिल्कुल आ जाता है कि भाई दोनों कंट्री जितनी पावर है को रिटेलिएट कर सकते हैं, लेकिन उसका इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा कि भाई दोनों कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकते इस वॉर को इनिशिएट करना, एक इंपॉर्टेंट आ जाता है। अगर हम पहले के पेपर की बात करते हैं तो उसमें ये 4 मार्क्स में 2 मार्क्स में बहुत देखने को मिलता था, और 99% चांस है कि आपको एमसीक्यू में भी देखने को मिलना ही है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
फिर इसके बाद भाई आंसर आ गया डिटरेंस, मैंने आपको वहीं बता दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द स्मॉलर स्टेट्स यूज टू ज्वाइन ईदर ऑफ द टू सुपर पावर फॉर ए प्रोटेक्शन, बी वेपन्स, सी इकोनॉमिक एड अगेंस्ट देयर लोकल राइवल्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर भी हम सबको पता है भाई, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द वेस्टर्न अलायंस वॉज फॉर्मलाइज इन टू एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड, जो हमारा वेस्टर्न अलायंस था उसका एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था, उसको फॉर्मलाइज कर दिया गया, उसमें उसको क्या बोलते हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा 1949 अप्रैल में ये एग्जिस्टेंस में आई थी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, नाटो वाज एन एसोसिएशन ऑफ डैश स्टेट्स व्हिच डिक्लेयर्ड दैट आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। तो भाई बताइए नाटो कितने लोगों का, कितनी मेंबर्स का एसोसिएशन था, कितने स्टेट्स का एसोसिएशन था, तो हमको पता है भाई 12 का था ये, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद ईस्टर्न अलायंस नोन एज द डैश was led by the Soviet Union. It was created in 1955. अब यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आप इस वीडियो को बिल्कुल बारीकी से देखिए, क्योंकि यहाँ पर ना एक एमसीक्यू से बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर डैश लगाया है, हो सकता है आंसर दिया होता और यहाँ पर डैश लग गया होता, हो सकता है यहाँ पर डैश लगा दिया होता, ईयर पूछ लिया होता, तो बिल्कुल एक ही एमसीक्यू बहुत तरीके से आ सकता है। तो वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल बारीकी से आपको देखना है। तो भाई इसका हमारा आंसर हम सबको पता है, वॉर्सो पैक्ट हमारा आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स बिल्ट एन अलायंस सिस्टम कॉल्ड। तो इसके आंसर हमारे सामने दो आ जाते हैं, पहला है हमारा साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है हमारा सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो एंड सेंटो, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। इसके बाद फिर डिफाइन बाइपोलैरिटी, अब बाइपोलैरिटी से आप क्या समझते हैं, एमसीक्यू में बहुत आ जाता है, अलग अलग डेफिनेशन मिल जाएंगे। तो सिंपल आपको बिल्कुल डेफिनेशन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल याद करना है क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए। अ सिस्टम ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर इन विच द मेजोरिटी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक मिलिट्री एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस इज हेल्ड बिटवीन टू स्टेट्स। और ये हमारा जो बाइपोलैरिटी थी, यहाँ पर कौन सी दो सुपर पावर हमारे सामने थी, यूएस और यूएसएसआर। तो ये एमसीक्यू फॉर्मेट में कई बार आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई द सुपर पावर्स नीडेड अलाइज, क्यों उनको अलाइज की क्यों जरूरत थी भाई, उनको और मेंबर क्यों चाहिए थे अपने ग्रुप में। तो भाई यहाँ चार चीजें आ जाती है, मैंने सीधे आपके चार डाल दिए, एमसीक्यू में अलग अलग तरीके से आ सकता है कि पूरे ऑप्शन आ जाए या एक ऑप्शन आ जाए, पूछा जाए कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, अलग अलग तरीके से बनता है। तो याद रखिए वाइटल रिसोर्सेज के लिए, जैसे ऑयल मिनरल्स हो गया, टेरिटरी के लिए, लोकेशन के लिए, टेरिटरी से उनको क्या फायदा होता है, अपने वेपन और ट्रूप्स लॉन्च कर सकते हैं, लोकेशन से वो स्पाई कर सकते हैं दूसरे पर, एनिमी कंट्रीज पर, और इकोनॉमिक सपोर्ट मिल जाता है, मिलिट्री एक्सपेंसेस उनके निकल जाते हैं, स्मॉलर के जो अलाइज उनके रहते हैं सब मिलकर पे कर देते हैं, और बहुत सारा ऐसा इनको फायदा होता रहता है। तो चार ये बिल्कुल आपको याद रखना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, एरिनास ऑफ कोल्ड वॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तीन नाम तो बिल्कुल याद कर लीजिए, ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में बहुत आता है भाई। कौन से तीन हमारे मेन आते हैं जहां पर कन्फ्रंटेशन हमें देखने को मिला था, तो एक हमारा आता है कोरिया, ईयर भी याद रखिएगा 1950 से 53, फिर बर्लिन 1958 से 62, और उसके बाद कांगो 1960s। ये तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ली 1960s में कांगो में देखने को मिला था, और भी प्लेसेस थी। अब ये सेवरल अदर प्लेसेस कौन सी हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तीन इंपॉर्टेंट है, इनमें से तीन में से आपको कोई भी एक आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी अदर प्लेसेस के नाम मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आइडियोलॉजी भी बताइएगा और ये भी बताइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, डैश वन ऑफ द की लीडर्स ऑफ द नाम प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मेडिएटिंग बिटवीन द टू कोरियास, तो टू कोरियास के बीच में मेडिएट किसने कराया था, हम सबको पता है इंडिया के जवाहरलाल नेहरू जी ने करवाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मेनी लीडर्स फाउंडेड द नाम, तो कितने लीडर ने भाई नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया था, ये भी आप सबको पता है 5। अब वो कौन से लीडर्स थे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 22, बिल्कुल ये नाम आप पढ़ के याद कर लीजिएगा, आपको कंट्री भी पता होना चाहिए और नाम भी पता होना चाहिए, हो सकता है नाम आ जाए और आपसे कंट्री पूछ ली जाए, और ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरे ही आप नाम। यूगोस्लाविया के जोसेफ टीटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के गमल नसर, इंडोनेशिया के सुकर्नो, और घना के क्वामे निक्रुमा, ये नाम आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 आता है, द फर्स्ट नॉन अलाइन समिट वॉज हेल्ड इन डैश इन 1961, तो पहला नॉन अलाइन समिट कहाँ पर हुआ था भैया, बेलग्रेड में हुआ था, ये राइट साइड में दिया है पूरा लेटेस्ट समिट का, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू नाम इज ट्रू, भाई इनमें से बताइए कौन सी ट्रू है। पहला दिया हुआ है नॉन अलाइनमेंट इज नॉट न्यूट्रैलिटी, दूसरा दिया हुआ है नॉन अलाइनमेंट इज नॉट आइसोलेशनम, सिंस आइसोलेशनिज्म मीन्स रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर। इसके बाद दिया हुआ है नॉन अलाइनमेंट इज आइसोलेटिंग फ्रॉम द वर्ल्ड्स पॉलिटिक्स, एंड फिर दिया हुआ है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, तो इसका आंसर भी हमको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि ए बी दोनों इसके ट्रू हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, भाई नियो का फुल फॉर्म क्या है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हम लोगों को आया था बोर्ड एग्जाम।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 एक इंपॉर्टेंट आता है, इसे बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं, इसको हमें एक बार पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट की, जो वो 1972 में लेकर आए थे, जिसका टाइटल था टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म की बात करी थी हमारे ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम की। अब वो कौन से रिफॉर्म थे हम पढ़ लेते हैं, इससे आपको एमसीक्यू आ सकते हैं। हो सकता है आपको एक रिफॉर्म दे दिया जाए, बोला जाए कि इनमें से कौन सा उन्होंने बताया था, या ये आ सकता है कि इनमें से कौन से सही है कौन से गलत है, घुमा फिरा के एमसीक्यू आ सकता है। चार याद रखिएगा। पहला है कि भाई जो हमारी एलडीसीज है, एलडीसीज का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको भाई पूरा कंट्रोल मिलना चाहिए उनके नेचुरल रिसोर्सेज की, जिन्हें वेस्टर्न कंट्रीज ने एक्सप्लॉइट किया है। तो जो डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्री ने एक्सप्लॉइट किया था, हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा था। उसका सेकंड आता है कि भाई ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट, वेस्टर्न मार्केट में उनको थोड़ा सा एक्सेस मिले, ताकि वो अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको सेल कर सकें और थोड़ा सा बेनिफिट कमा सकें, क्योंकि वो गरीब कंट्री में आते हैं, उनको बेनिफिट की थोड़ी जरूरत है ताकि वो भी डेवलप हो सके। तीसरा आता है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, और फोर्थ आता है प्रोवाइड एलडीसीज विद ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। तो चारों बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, हाउ नाम बेनिफिटेड इंडिया, तो भाई हमें कैसे बेनिफिट इससे हुआ। तो यहाँ दो चीज आती है, पहला इंडिया को टेक इंटरनेशनल डिसीजंस, और दूसरा आता है इंडिया गॉट द पावर टू बैलेंस द टू सुपर पावर्स। आपको बोर्ड में क्या चार ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सा सही है, आपको बताना हो सकता है, उसमें से हो सकता है दो सही हो एक सही हो, अलग अलग तरीके से आएगा। तो बिल्कुल याद रखिए, पहला था इंटरनेशनल डिसीजंस अब हम ले सक रहे थे, और दूसरा है कि भाई हम दोनों सुपर पावर में बैलेंस बना पा रहे थे। फिर इसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 28 आता है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। तो बहुत सारे रहेंगे, उनमें से आपको बताना है कौन सा रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो इसमें हमारे सामने थर्ड आता है, फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रैलिटी ऑन ग्लोबल इशूज, हमने कभी भी न्यूट्रैलिटी फॉलो नहीं किया था नाम वालों ने, तो बिल्कुल इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29, क्रिटिसिज्म ऑन इंडियाज पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, भाई हमें कैसे क्रिटिसाइज किया गया था पॉलिसी पे हमारी। तो इसमें दो आते हैं, पहला है भाई इट वॉज सेड दैट इंडिया ऑफन रिफ्यूज टू टेक अ फर्म स्टैंड ऑन क्रूशियल इंटरनेशनल इशूज, मतलब हमने फर्म स्टैंड नहीं लिया कई बार जब इंटरनेशनल इशू आते थे बहुत इंपॉर्टेंट वाले ये इशूज के बाद। फिर हमारा दूसरा आता है कि इसने ये भी सजेस्ट किया था यार कि इंडिया बहुत इनकंसिस्टेंट है और बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर्स हमने लिए हैं, जैसे कि भाई हमने यूएसएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर ली थी 1971 में 20 साल के लिए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, दोनों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट ही आ जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन डिड द कोल्ड वॉर एंड, तो भाई हम सबको पता है 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, जब कोल्ड वॉर जो थी वो हमारी एंड हो गई थी। फिर इसके बाद यार ये मैंने पूरा डाल दिया है आपको, ये आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी आपको बनना चाहिए, इससे एमसीक्यू में आ सकता है। मैं आपको बता देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, आपको जो स्टार्टिंग की ये दो दिख रही है ये तो आपको बहुत अच्छे से करना है, और इनमें भी ये जो एनपीटी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 99% आपको एनपीटी से क्वेश्चन होगा, लेकिन बाद भी या जितने बाकी बचे हैं ये भी आपसे बनना चाहिए। तो एक बार पॉज करके इन सब को आप रीड कर लीजिएगा, खासकर आपको एलटीबीटी और एनपीटी को अच्छे से करना है, बाकी की एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, इससे एमसीक्यू आ सकते हैं। तो ये पूरा मैंने डाल दिया, अलग अलग क्वेश्चन नहीं बनाए क्योंकि इसको आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद अब थोड़े से नेट से भी क्वेश्चन मैंने डाल दिए, उनको आप अच्छे से देखिए। द इवेंट दैट टुक प्लेस इन 1961 वॉज, तो भाई 1961 में क्या हुआ था, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल, याद रखिएगा बर्लिन वॉल रिलेटेड भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नॉट अ नाटो मेंबर, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में देखने को मिलते हैं, कंट्रीज के नाम होते हैं और पूछा था कि इनमें से कौन सी नाटो में नहीं थी, इनमें से कौन सी वॉर्सो में नहीं थी, ये आपको पता होना चाहिए। आगे मैप डालूंगा, आप उसको एक बार पढ़ लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। तो भाई चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, फ्रांस और इंडिया, तो भाई हम सबको पता है इंडिया इसका आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विच टू आइडियोलॉजीज वर इन्वॉल्व्ड इन अ कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा, तो भाई कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, मोनार्किज्म एंड कैपिटलिज्म, कम्युनलिज्म एंड कैपिटलिज्म, नन ऑफ द अबव। तो हमको आंसर पता है भाई कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म जो थी वो इन्वॉल्व थी, दो और थी, वापस मैंने पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया, आप कमेंट में मुझे बताएंगे, आगे भी अभी आने वाला है। अब इसके बाद असर्शन और रीजन की बारी आ जाती है, अब यहाँ एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, ज्यादा मैंने नहीं डाले हैं, सिर्फ दो डाले। अब आप बोलोगे भैया सिर्फ दो क्यों डाल दिए, केस स्टडी क्वेश्चन हो, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हो, पैसेज क्वेश्चन हो, असर्शन रीजन हो, कुछ भी हो, हमने सब वन वर्ड और एमसीक्यू में पहले अभी कवर कर दिया है आपको। आपने अगर उसको अच्छे से कर लिया, एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को देख लिया, आपको कुछ जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा करने की, आपका सब हो जाएगा। असर्शन रीजन क्या होता है, बुक से लाइन आ जाती है, वही हमने पहले कवर कर ली है, तो बिल्कुल घबराना आपको नहीं है, सब कवर करवा रहे हैं, पूरी ए टू जेड चीजें करा रहे हैं। वीडियो को आने में टाइम लग रहा है, तो टाइम लगने का मीनिंग इतना कि हम लोग बस सर्च कर बना रहे हैं, आपको घबराना नहीं है। अब पहले आपको जल्दी समझा देता हूँ
असर्शन रीजन होता क्या है। तो देखिए, आपको एक असर्शन दिया होगा, एक रीजन दिया होगा, नीचे चार सेम ऑप्शन आपको हर बार देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा कि ए भी सही है, आर भी सही है, और जो आर है वो एकदम सही एक्सप्लेनेशन है ए का। दूसरा ऑप्शन होगा दोनों सही है लेकिन जो आर है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। फिर ऑप्शन दिया होगा ए सही है, आर गलत है, फिर दिया होगा ए गलत है और आर सही है। ऐसे चार ऑप्शन रहेंगे, तो इसको पढ़ के हमें पता लगाना पड़ेगा। सबसे पहले असर्शन हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें असर्शन दिया हुआ है, द कोल्ड वॉर वॉज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ पावर राइवलरीज ऑफ मिलिट्री अलायंसेस एंड ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर, दीज वर अकम्पनीड बाय द रियल आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। यहाँ पर बोला गया है कि सिर्फ मिलिट्री अलायंसेस, बैलेंस और पावर नहीं था, पावर राइवलरीज नहीं, सिर्फ ये चीजें नहीं थी, एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिल रहा था। फिर रीजन दिया हुआ है कि जो हमारा वेस्टर्न अलायंस था यूएस वाला, वो लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, और हमारा जो यूएसएसआर वाला साइड था वो सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म को फॉलो करता था। तो भाई ये असर्शन और ये रीजन दिया हुआ है। तो अब आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये दोनों में से क्या सही है, और अगर दोनों सही है तो क्या आर एकदम सही एक्सप्लेनेशन है ए का की नहीं है। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बाद एक और असर्शन रीजन आ गया है। तो हमारा असर्शन दिया हुआ है द वर्ल्ड वॉर एंडेड व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्रॉप टू एटॉमिक बॉम्ब्स। तो एनसीईआरटी की लाइन है, हाँ भाई, जैसे एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किए थे उसके बाद भाई खत्म हो गया था हमारा वर्ल्ड वॉर जो सेकंड था, एंड हो गया था। एंड क्यों हुआ था, हमें यह भी पता है कि जापान ने उसका सरेंडर भी किया था। तो रीजन क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियर बॉम्ब वर ड्रॉप ऑन द जापानी सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, एकदम करेक्ट, अगस्त 1945, कॉजिंग जापान टू सरेंडर। मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमको लग रहा है। तो हम क्या आंसर लिख देंगे भाई, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसको हम एकदम टिक कर देंगे। फिर इसके बाद यार हमारे सामने मैप आ जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको पूरी कंट्रीज पढ़ना है, लेकिन जो कंट्री बार बार बुक में मेंशन करी गई है, जो कंट्री फेमस है, उनके नाम एक बार आप देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि वो किसी कैंप की पार्ट थी कि नहीं थी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही है। तो एक बार आप अच्छे से मैप का पूरा देख लीजिएगा। फिर इसके बाद अगर आपको मैप की वीडियोज देखना है तो हमारे चैनल पर पहले ही पॉलिटिकल साइंस की बुक वन और बुक टू के मैप आ चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप होने वाले हैं, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, मैप की वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ये पूरा हो जाएगा। तो यार इसी के साथ हमारे पूरे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट खत्म होते हैं। इससे ज्यादा बिल्कुल भी एमसीक्यू आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने पूरे कवर कर दिए हैं। अच्छा, ये मैंने थंबनेल यहाँ पर इसी डाल दिया भाई कि चैनल पर और भी सब्जेक्ट आ रहे हैं। हिस्ट्री आ चुका है इसका, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस चल ही रहा है, और बाकी भी जितने सब्जेक्ट हैं हम सारे लेकर आने वाले हैं। क्लास 12, 10 सारे एमसीक्यू हम लेकर आ रहे हैं, डेली काम कर रहे हैं यार। वीडियो आगे और भी जल्दी जल्दी आने वाली है, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा यार। चैनल पर व्यूज होते हैं लेकिन लाइक बहुत कम होते हैं। इसी साथ इस वीडियो को करता हूँ खत्म। अगर अभी कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको कोई और एक्स्ट्रा एमसीक्यू पता हो तो वो भी कमेंट में लिखिएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।